नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में सुशांत की मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। उनके विसरा को संरक्षित किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने फोरेंसिक को जल्द से जल्द विसरा के रिपोर्ट के लिए लिख दिया है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 5 डॉक्टरों ने साइन किया है और उनकी रिपोर्ट में कुछ भी संदेहास्पद नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला था। फिल्म जगत की हस्तियां और उनके प्रशंसक इस खबर से स्तब्ध रह गए। इस युवा अभिनेता को खोने वाले उनके प्रशंसकों की जुबा पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि करियर के अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बावजूद 34 वर्षीय अभिनेता ने ऐसा कदम उठाया? बड़े पर्दे पर राजपूत की आखिरी फिल्म नितेश तिवारी निर्देशित छिछोरे थी। टेलीविजन धारावाहिक पवित्र रिश्ता में निभाए किरदार से मशहूर हुए अभिनेता ने 2013 में काईपोचे से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राबता, केदारनाथ और सोन चिड़िया जैसी फिल्मों में काम किया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता उनकी मौत के बारे में पुलिस के सामने दिए बयान में उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को सुशांत के डिप्रेशन के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कह चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में सुशांत के पिता केके सिंह और दो बहनों समेत 9 लोगों के बयान दर्ज किए थे। अधिकारी के अनुसार केके सिंह ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि परिवार के सदस्यों को सुशांत के डिप्रेशन के कारणों की जानकारी नहीं थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।